किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम डॉक्टर हजारीलाल राजौरिया और मैं आज आपको एक ऐसा देसी पेस्टिसाइड बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम आए दिन हर तरह के जहर जमीन के अंदर फसल के अंदर डाल रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी फसल के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई इस देसी नुस्खे को अपना के और हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्चा जो अननेसेसरी जो केमिकल का जो पेस्टिसाइड का हमारी फसलों के ऊपर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हम बचा सकते हैं। ज़्यादातर किसान क्या है केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे अपना कोराजन है, मोनोक्रोटाफास है या एमिडाक्लोप्रिड है। तो मतलब ये जो दवाइयाँ हैं इनका डोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन ये दवाइयाँ आती भी महंगी हैं, दो दो तीन तीन चार चार स्प्रे इनके करने पड़ते हैं, फिर भी ये जो हमारे रोग बीमारी कीट वगैरह हैं ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो जो खर्चा है वो जो किसान का बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए आज आपको एक वो देसी पेस्टिसाइड तैयार कैसे करेंगे और क्या इसका फ़ायदा है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस पेस्टिसाइड को तैयार करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सामग्री लेने जा रहे हैं वो कौन कौन सी सामग्री होती है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं ये पौधा होता है, पेड़ होता है, जिसको सामान्य भाषा में बिलायती नीम या आड़ू या आड़ू के नाम से जाना जाता है। पौधा बड़ा पेड़ होता है इसका, ये पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है और सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में दूसरा जो आइटम है वो हमारा है आक, आक आकड़ा या आखा के नाम से भी इसको जानते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये इसके भी पत्ते आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसमें काम आने वाला है। इसके अलावा फिर हम देख सकते हैं इधर ये हमारा देसी नीम सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। ये पेस्टिसाइड में बहुत बड़ा रोल होता है नीम का, जैसा आपने देखा भी होगा काफ़ी बार कपास के अंदर जो मतलब है सफ़ेद मक्खी का या मच्छर का प्रकोप हो जाता है तो नीम ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। तो नीम का सबसे ज़्यादा महत्व तो इस देसी पेस्टिसाइड में माना गया है। इसके अलावा फिर हरी मिर्च जो होती हैं ये भी एक पेस्टिसाइड का काम करती है फसल के लिए, तो इसका भी हम प्रयोग इसके अंदर करेंगे। और इसके अलावा फिर ये लहसुन जो सब्जी में मसाले के रूप में यूज़ होता है इसका भी हम प्रयोग इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा एक हमारा एक आइटम और है लस्सी छाछ, जिसको आप सभी जानते हैं घरों के अंदर यूज़ होता है लस्सी छाछ, ये भी आप इसको इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो जैसा आपने देखा ये सभी आइटम कौन कौन सा आइटम कितनी मात्रा में लेना है और कैसे इसको तैयार करना है तो वो प्रोसेस आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको मटेरियल को तैयार करना है। तो सबसे पहले जैसा आपको बताया कौन कौन से आइटम हैं और उनके बारे में मैंने आपको बताया, अब इनका कैसे हम यूज़ करेंगे तो देखिए। सबसे पहले ये जो हरी मिर्च है, लगभग 1 किलो हरी मिर्च आपको लेनी है। 1 किलो हरी मिर्च जो सब्जी में डालते हैं वो 1 किलो हरी मिर्च इसके अंदर डाल के इमाम दस्ते में, और फिर इसको उसके बाद में ये जो लहसुन है कम से कम 1 किलो लहसुन आपको लेना है, वो भी इसके अंदर डालना है 1 किलो लहसुन, और वो भी इसके अंदर इसको अच्छे से बारीक बारीक कूट देना है। इसमें तीसरा आइटम आंकड़ा जो है अपना ये इसको इसके अंदर डाल के इसको भी ऐसे कूट देना है, पूरा ऐसा मिला देना है, इसको कूट के ऐसा कूट देना है। उसके बाद में फिर अपना चौथा आइटम नीम जो देसी नीम के पत्ते हैं इनको हम डालेंगे और इसको भी अच्छे से कूट देंगे ऐसे। इसके बाद में फिर हमारा जो आड़ू या बिलायती नीम जिसके नाम से जाना जाता है इसको भी हम ऐसा तोड़ के और इसके अंदर ऐसे डाल के इसको ऐसा कूट के तैयार कर देंगे। सामग्री जैसे मैंने बताई आपको, इसके अंदर 1 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लहसुन और ये
ये अपना आग का और नीम का, बिलायती नीम, अरडू का, इनका 3-3 किलो पत्ता ये ऐसा कूट लेना है। और इसके अंदर 3 किलो तैयार किया हुआ तंबाकू भी हमने डाला है। तंबाकू जो आता ना हुक्के में डाल के पीते हैं, गुड़ मिलाया हुआ बिल्कुल रेडीमेड, 3 किलो तंबाकू वो भी इसके अंदर हमने डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद क्या करना है, जैसे अपना पानी है, इस पानी के अंदर 10 लीटर पानी लेना है। इस 10 लीटर पानी के अंदर ये जो मिश्रण कूटा हुआ है इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद और जो लस्सी छाछ है, ये लस्सी छाछ जो कम से कम 5-6-7 एक सप्ताह पुरानी खट्टी छाछ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खट्टी छाछ होगी उतना इसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। ये डालने के बाद में 5 लीटर खट्टी छाछ इसमें डालेंगे। डालने के बाद इसमें डालेंगे 5 लीटर गौमूत्र, जो देसी गाय होती है अपना, उसका 5 लीटर गौमूत्र, या 10 लीटर भी डाल सकते हैं। 10 लीटर डालेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा। 10 लीटर गौमूत्र इसमें डालेंगे, डाल करके और हमारा ये दवाई बिल्कुल इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसा मैं एक बार शुरू से दोबारा बता रहा हूँ आपको, कौन कौन सी सामग्री कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। इसके अंदर 10 लीटर लेना गाय का पेशाब, देसी गाय का गौमूत्र, 3 किलो तंबाकू तैयार किया हुआ रेडीमेड जो आता है, 1 किलो इसके अंदर लहसुन, 1 किलो हरी मिर्च और 5 लीटर खट्टी छाछ, ये सब चीज़ें डाल के और ये जो घोल तैयार हो जाता है, इस घोल को एक प्लास्टिक के ड्रम में या मटके के अंदर डाल के इसको रख देना है। ये 20 दिन तक कम से कम रखना है। हर 5वें दिन इस घोल को एक डंडे से ऐसे घुमा देना है, क्योंकि घुमाने से ये घोल अच्छे से मिल जाता है। हर 5वें दिन इसको एक बार डंडे से घुमा देना है। 20 दिन बाद में ये हमारा घोल, ये जो दवाई है, ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। और उसके बाद में इसको बढ़िया साफ कपड़े से, सूती कपड़े से छान के और छाया में रख लेंगे। ये जो दवाई है इसका हर प्रकार की फसल में, चाहे फसल कोई भी हो, उसमें 500 से 600 ml प्रति जो दवाई है वो 16 लीटर की जो टंकी आती है अपनी, उसमें डाल के स्प्रे करेंगे। ये दवाई केवल स्प्रे के ही काम में लेनी है, हर फसल में इसका यूज कर सकते हैं। ये जो दवाई है इसका प्रयोग करने के बाद हमारा जो सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, तेला है, चेपा है, या सुंडी है, या वो दूसरी जो रोग बीमारी पत्तों में आती है, उन सभी को कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। इस दवाई का प्रयोग करने से हमारी फसल के अंदर एक खुराक का भी काम करती है, फसल को अच्छा ग्रोथ देगी, फल फूल झड़ने वाली प्रॉब्लम वो भी नहीं आएगी। तो किसान भाई इस दवाई का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्चा बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया तो जब आगे किसान भाइयों को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सके। और जो ये पेस्टिसाइड या कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग करके जो आए दिन हमारी जेब कटवा रहे हैं, उनसे बचा जा सके। धन्यवाद।